अब मैं स्लिप डिस्क साइटिका के लिए एक और तरीका बताता हूँ। किसी को खड़ा रहना पड़ जाता है तो खड़ा रहे तो कैसे रहें जो कुछ देर हम निकाल पाए। या ऐसे लोग पूछते हैं खड़ा रहना पड़ जाए, खड़े होकर के बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट आया है कि हमें ब्रश करने में दिक्कत होती है, मुंह धोने में दिक्कत होती है, तो क्या करना चाहिए। तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल आप ये देखें कि अगर खड़ा रहना पड़ जाए कहीं पे तो कभी भी पूरे साथ एक साथ पैरों को ना रखें। पैर को इतना तो नॉर्मल रहना चाहिए, आप कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा गैप, ज़्यादा जितना अलग रखेंगे पैरों को उतना यहाँ सपोर्ट मिलेगा, ये कंप्रेस करके रखेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और सीधे खड़ा रहें और कोशिश करें वजन जो है चेस्ट का वेट पीछे की तरफ रहे, आगे की तरफ ना हो। और ये पैरों को थोड़ा टाइट रखें। दूसरा ये कि जिस तरफ तकलीफ है, अगर इस तरफ ज्यादा तकलीफ है तो इस तरफ वजन कम रखें, इस तरफ थोड़ा तकलीफ नहीं है तो इस तरफ वजन थोड़ा ज्यादा दें। दूसरी बात, जब आपको फिर शॉर्ट करना हो तो अगर ये अगर हम इस पैर को मोड़ते हैं, सपोज अगर हम खड़े हैं बहुत देर से, कुछ देर हो गया, आधे घंटे हो गए या 40 मिनट हो गए खड़े खड़े रह गया, तो ऐसे हिप्स को कंप्रेस करते रहेंगे, हिप्स को टाइट किए, हिप्स को टाइट किए छोड़े। अब अगर हमें पैर को शॉर्ट करना है तो ऐसा करना में ज्यादा तकलीफ होगी, तो बेहतर है ये जो तरीका है, देखिए पैरों को देखिए, अगर हम ऐसे हैं तो ये देखिए टोस को, टोस को अंदर, फिर एड़ी को अंदर, फिर ये क्लोज किए। अलग करने के लिए, दूर जाने के लिए भी तरीका ये है कि ये अब इसमें थोड़ा ज्यादा देर तक आप खड़े, जैसे सीधे रहने में अगर आप 5 मिनट में आपको तकलीफ हो जाती है तो इसमें आपको 15 मिनट आप खड़े रह सकते हैं, फायदा इसमें यह है। अच्छा ये भी है, अगर हम साइड में थोड़ा झुकते हैं उतनी दिक्कत नहीं है, पीछे झुकते हैं दिक्कत नहीं है, सामने झुकते हैं तो दिक्कत है। सामने अगर गर्दन को नीचे अगर हम देखते हैं तो गर्दन झुकाए हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है, चेस्ट अगर झुकेगा तो दिक्कत है। तो जैसे अगर हमें कुछ देखना है नीचे ही अगर देखना है तो झुकना जरूरी नहीं है, गर्दन को झुकाया जहां पर आंखों को ले जाना है तो नीचे झुकाया आप नीचे देख सकते हैं, गर्दन झुकाया देख सकते हैं, गर्दन घुमाया इधर देख सकते हैं, काफी दूर तक पीछे देख सकते हैं, आपको टर्न होने की जरूरत नहीं है। साइड में झुक सकते हैं, ये साइड में ये करें ये ठीक है। फिर ये देखिए, अब ये अगर हम मूवमेंट करते हैं खड़े खड़े कभी स्टिफनेस लगने लगता है तो ऐसा नहीं करें, ये दिखने में लगता है, ये एक हिप पे हाथ रखें और इसको पुश कर दें, हल्का सा पुश करेंगे और ये साइड वाइज ही आया, फिर जैसे इसी तरह साइड वाइज आया, ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए आरामदायक रहेगा। फिर थोड़ा शॉर्ट हो गए, हल्का हल्का पैरों का गैप करके थोड़ा सा कमर को घुमा लें, फिर ये, फिर उसके बाद आप बैठ जाए। खड़ा रहना पड़ जाए तो मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, खड़ा रहना ज्यादा इसमें नुकसान करता है, लेकिन आप अंडर ट्रीटमेंट है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, इस बीच कहीं खड़ा रहना पड़ जाए तो कैसे रहना चाहिए, वो वक्त को कैसे गुजारना है जो आपको ज्यादा तकलीफ भी ना बढ़े और वो खड़े रहने के जो अवसर है वो आपको निकल भी जाए और सही गुजर जाए। ये आपने इसका तरीका आप समझ लिया, आप इस पर ध्यान रखें, फिर मैं आगे कुछ नया पोस्चर बताऊंगा।